मामला फिरोजाबाद के थाना टूला क्षेत्र के टुंडली का है, जहां हर रोज की तरह कल भी 74 वर्षीय नारायण सिंह खेतों पर टहलने गए थे। काफी देर तक जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन की, तभी टुंडली के बाहर बने नाले में उनका शव खून में लथपथ पड़ा मिला। सब पर किसी धारदार हथियार के निशान पाए जाने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने लोगों की मदद से लहूलुहान नारायण सिंह के शव को नाले से निकाला और नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामला पुरानी रंजिश के चलते हत्या का मामला सामने आ रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। टुंडला से गुलाब सिंह की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। आपकी जानकारी लाना चाहूंगा, आज प्रातः काल में ये बुजुर्ग अपने घर से घूमने के लिए गए थे, उसी समय संभवतः किसी ऐसा लग रहा है कि दो इंजरीज उनके हेड में पीछे की तरफ है, जिससे लगता है कि किसी ने इंटेंशनली उनकी हत्या की है। ये स्थिति पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगी और अभी एफआईआर का हम लोग वेट कर रहे हैं, एफआईआर आने पर कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई पुरानी रंजिश का मामला भी लग रहा है इसमें कुछ? देखिए, इस परिवारों में पहले से रंजिश चली आ रही है, जिसमें अभी पीछे गिरफ्तारियां की गई थी और लगभग 2-2.5 महीने के अंदर रहने के बाद में अभी हाल में 4 मुलजिमान की जमानत हुई है। यह प्रकरण इसे संबंधित है अथवा नहीं, इस संबंध में अभी परिवारजन ने हमें कुछ बताया नहीं है, या कोई और रंजिश संबंधित है अथवा नहीं, इस बारे में भी कुछ बताया नहीं है। इसीलिए हम एफआईआर का इंतजार कर रहे हैं। एफआईआर आने के बाद में जो फैक्ट सामने आते हैं उनके बेसिस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे।